हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट यशराम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिजिटल पोर्टल से रिचार्ज कैसे किया जाता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद टाइप करना है सर्च बार में जाके डिजिटल सेवा पोर्टल, उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में डिजिटल सेवा पोर्टल कॉमन सर्विस सेंटर्स, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फ्रेंड, लिखा हुआ है डिजिटल सेवा और राइट साइड में थ्री डॉट का निशान आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का पेज जो खुल के आ जाएगा। होम आएगा, जीमेल और लॉगिन का सेक्शन आएगा। तो फ्रेंड, इसमें मेरा जो है डैशबोर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि हम जो है ऑलरेडी लॉगिन किए हुए हैं। तो चलिए, आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने डिजिटल पोर्टल का जो है इंटरफेस इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है डिजिटल पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड, ये सर्विसेज है, इसमें क्लिक करके आप जितने सारे सर्विसेज है वो सर्विसेज को देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है रिचार्ज करना है, तो इसमें देख सकते हैं ऊपर में ये जो सर्विसेज जो है चल रही है, तो आपको ये इतने ये सर्विसेज को स्क्रॉल करके ले आना है लेफ्ट साइड में। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड, टेलकॉम का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको टेलकॉम वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करना है फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, लेफ्ट साइड में टेलकॉम, फेवरेट, विलर्स और मोबाइल प्रीपेड लिखा हुआ है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे, आपके सामने मोबाइल प्रीपेड के जितने सारे कंपनी है वो कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं फिर एयरटेल, बीएसएनएल प्रीपेड, रिलायंस जियो और वीआई। तो आपको जिस कंपनी का रिचार्ज करना है आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आपको जियो का दिखाते हैं। जैसे जियो में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा पेज जो है खुल के आ जाएगा नीचे, तो आपको स्क्रॉल करके पेज को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आपको जो मोबाइल लिखा हुआ देख सकते हैं फ्रेंड, तो आपको इसमें मोबाइल नंबर जो है उसको एंटर कर लेना है। तो चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है ऑलरेडी मोबाइल नंबर जो है एंटर कर लिए हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा 2G 3G 4G फुल टॉक टाइम रेट कटर रोमिंग और टॉपअप। तो आपको रिचार्ज करना है, तो आपको फुल टॉक टाइम वाला ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, उसमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दें, आपके सामने जितने सारे फुल टॉक टाइम के प्लान्स है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस प्लान्स का रिचार्ज करना चाहते हैं उस प्लान्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्क्रॉल करके जो भी प्लान्स का आप देखना चाहते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। पेज को ऊपर ले आना है स्क्रॉल करके। तो चलिए हम पेज को स्क्रॉल करके ले आते हैं। ले आने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड, आप जिस भी प्लान का रिचार्ज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लान को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो है आप जो प्लान सिलेक्ट किए हैं वो प्लान आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपका जो है वॉलेट पिन जो है वॉलेट पिन फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद पे रुपीज़ में क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कर दें, आपका रिचार्ज जो सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए आपको पिन जो है वॉलेट पिन जो है फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, हम जो है वॉलेट पिन जो है फिलअप कर लिए है, तो पे रुपीज़ जितने का प्लान है प्लान आपको देखने को मिल जाए, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, आपके सामने
रिचार्ज जो है सक्सेसफुली होके आ जाएगा। तो देख सकते हैं नेट स्लो है थोड़ा, तो देख सकते हैं फ्रेंड रिचार्ज जो है सक्सेसफुली होके आ गया है। देख सकते हैं रिचार्ज सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, यानी रिचार्ज जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।